अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं आपकी मेजबान कश्मीर जमाल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी जो दीगर वीडियोस हैं उनको भी देखिए, अगर आपको पसंद आए उनको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत दिनों से आपसे मुसलसल बात कर रही हूँ, जो पीडीएम से जुड़े मामलात हैं, जो स्टेटमेंट्स पीडीएम के कुछ रहनुमाओं की जानिब से सामने आई हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है और उस बयानिए को बाकी जो जमाते हैं बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक बड़ी और इम्पोर्टेंट प्लेयर है पीडीएम के अंदर, वो किस तरह से देख रही है। बिलावल भुट्टो का इंडिविजुअली इस सारे मामले के ऊपर क्या उनकी क्या राय है, क्या टेक है, उस पर मैं आपसे बात करती रही हूं। और अभी जो हाल में बयान दिया बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बात की नवाज शरीफ की, वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, तो उसके जवाब में उनका कहना ये था कि नवाज शरीफ 3 times प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, एक जिम्मेदार सियासतदान हैं। और उनका कहना यह था कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट इसीलिए दी होगी क्योंकि उनके पास कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई एविडेंस होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सबूत और एविडेंस है वो मियाँ साहब जो है वो जरूर सामने लेकर आएंगे। तो एक चीज, एक इशू जिसको लेकर हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैंने भी बहुत दफा आपके साथ बात की है कि तासुर ये उभरता चला जा रहा था कि ये जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही एपीसी होस्ट की थी और सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था और सारी जमातों को इकट्ठा किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्टली इस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाली है और ऑलरेडी नजर आ रहा है कि यूज कर रही है, जिसके अंदर जो उनका सबसे बड़ा स्टेक है सिंध गवर्नमेंट का, वो उसको भी लूज नहीं करेंगे, नहीं गवाएंगे, वो उसको बरकरार रखते हुए ऑपोजिशन की जमातों को भी ये तासुर देते रहेंगे कि वो उनके साथ है। एंड एट द सेम टाइम वो अपने जो मामलात हैं, जो एहतसाब से जुड़े मामलात हैं, जो केसेस हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ना चली जाए उसको लेकर जो कुछ मामलात हैं उनको भी बैक चैनल पर ठीक करने की और चलाने की कोशिश करते चले जाएंगे। और कुछ अभी ऐसा लग रहा है कि यही किया जा रहा है और बड़ी ही आई वुड से कि खूबसूरती से जो है वो ये कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट में पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि इसलिए अजीब साउंड करती है, सुनाई देती है, क्योंकि सबसे पहले सिलेक्टेड फ्लोर ऑफ द हाउस पर इमरान खान को बिलावल ने कहा था। और ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ कि जब आप किसी को सिलेक्टेड डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में है और आप समझते हैं कि किसी को सिलेक्ट करने के लिए किसी सिलेक्टर की जरूरत भी होती है। तो अब सिलेक्टर का नाम लिया जाए या ना लिया जाए वो एक अलग बहस है, इस हद तक बात करना दुरुस्त है। लेकिन बिलावल ने अपने इस इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए आगे मजीद ये भी कहा कि वो नहीं समझते कि कोई शख्सियत जिम्मेदार है इमरान खान के इक्तदार में आने के लिए। तो अगर वो ये नहीं समझते तो फिर इसके अंदर एक कंफ्यूजन और एक सवाल ये भी है कि जो पीडीएम का जो एक कॉमन बयानिया है वो क्या है, इनका कॉमन ग्राउंड क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनकी कॉमनैलिटी है आपस में और ये सब लोग इस चीज के ऊपर, ये ABCD ये पॉइंट्स हैं जिन पर ये मुकम्मल तौर पर अनकंडीशनल इत्तफाक करते हैं। मैं दोबारा इस इशू पर इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि एक तो बिलावल की स्टेटमेंट, ये सारा जो मामला है वो नवाज शरीफ के बयान के इर्द गिर्द बिल्डअप इसलिए हो रहा है कि वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत एक ओपन कन्फ्रंटेशन की स्टेटमेंट है, उसको कौन कौन और बाय करता है, हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं 2-3 दिन से कि जो बाकी सियासी जमातें पीडीएम का हिस्सा है उनकी इस पर क्या राय है। एक तो बिलावल की स्टेटमेंट आई, ऑल्दो मैं पहले आपके साथ गुजरांवाला जलसे के फौरन बाद ही ये वाला जो बिलावल का ख्याल है, ये जो थॉट प्रोसेस है वो शेयर कर चुकी थी, लेकिन बिलावल ने अपनी बात खुद पब्लिकली कह दी है। दूसरा ये कि कल पीडीएम रहनुमाओं की मीटिंग हुई, एक अहम इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी साहब और दीगर जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने वाया वीडियो लिंक शिरकत की और वहां पर बड़ी पुरमंग्स गुफ्तगू मैंने सुना है, मुझे मेरे जराए से पता चला है कि हुई है, बड़ी डिबेट हुई है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो इख्तलाफात हैं उनको भी बहुत खुलकर बात की गई है उन पर भी और बयान किए गए हैं, जो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उसको भी बहुत खुलकर डिस्कस किया गया, जो दीगर डिफरेंट पार्टीज के जो वहाँ पे लीडर्स मौजूद थे उनका जो जो ख्याल है उसको बहुत खुलकर कहा गया। एंड इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो भी बड़ा खुलकर जेरे बहस आया कल की उस मीटिंग के अंदर, और उसके अंदर भी एक बड़ी ही डाइवर्सिटी है। अमीर हैदर खान होती ने बहुत आउटराइट जो है वो कंडेम किया, उनका कहना था, उन्होंने तो सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट भी किया कि अगर हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं तो हमारी जो गुफ्तगू है या जो नैरेटिव है उसके अंदर कोई यकसुई, कोई यकसानियत होनी चाहिए, हम जो बात करते हैं वो बिल्कुल एक तो नहीं हो सकती लेकिन एक जो बेसिक जो वो पैरामीटर्स हैं वो हमें डिफाइन कर लेने चाहिए कि हम इन इन चीजों पर बात करेंगे और इस तरह बात करेंगे, क्योंकि
वरना उनका कहना यह था कि फिर ओवर स्टेप जो है वो हम देखते हैं कि चीजें हो जाती हैं, जैसा कि अभी नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में किया, और उन्होंने कहा कि इस तरह से नाम लेना इंतहाई गैर मुनासिब था, ये नहीं होना चाहिए था। अवैस नूरानी का भी यही ख्याल था, उनका भी ख्याल था कि नाम नहीं लेना चाहिए। जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हम बहुत सारे महाज खोलते चले जा रहे हैं अपने लिए, और अगर हम एक वक्त में बहुत सारे महाज खोल देंगे तो ये मामला कभी भी जो है वो किसी एक डिसाइसिव पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा, ये नतीजा खेज नहीं होगी ये जो मूवमेंट है। तो हमें थोड़ा सा अपना जो टारगेट है उसको भी, उनका कहना यह था कि नैरो डाउन करने की जरूरत है और इस पर कोई कंसेंसस करने की जरूरत है कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। सो ये भी एक पॉइंट है जो कि जेरे बहस रहा, और अगेन उनका भी ये कहना था कि वो समझते हैं कि इस तरह से नाम नहीं लेना चाहिए था, ये एक गैर मुनासिब रवैया था जो कि अडॉप्ट किया गया। ऑन द अदर हैंड मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि नाम ले लिया तो क्या हुआ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब हम किसी को सिलेक्टर कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि कोई इन्वॉल्व है, जब हम कह रहे हैं कि इलेक्शन चुराया गया, जब हम कह रहे हैं कि इमरान को मुसल्लत किया गया, तो फिर इमरान को जो मुसल्लत करने वाला है जो कि वो समझते हैं कि जो भी है, तो उनका नाम अगर लिया है तो इसके अंदर कोई कबाहत कोई खराबी नहीं है। अचगरी साहब का भी यही ख्याल था। सो नाउ देयर इज अ वेरी क्लियर डिवाइड पीडीएम के अंदर, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर बैठ रही हैं वो उनके जो लीडरशिप है उसकी जो सोच है उसके अंदर जो फर्क है वो हम इस इजलास की अगर प्रोसीडिंग्स को उठाकर देखें तो हमें समझ में आता है। अच्छा, जब मैंने आगाज में जो बात की कि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसके इर्द गिर्द जो बिल्डअप है वो कैसा हो रहा है, उसके अंदर एक तो रिएक्शन या जो समझने की चीज है वो ये है कि पीडीएम की जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया कि वो क्या कहते हैं, लेकिन एक जो एक और एस्पेक्ट सामने आ रहा है जिस पर मैं पहले से बात भी कर रही हूँ कि उस नैरेटिव और स्टेटमेंट के ऊपर पार्टी के अंदर से क्या नैरेटिव आ रहा है, पार्टी के अंदर से क्या रद्द अमल आ रहा है, वो भी एक देखने की बात है। जनरल टाइट कादर बलोच सीनियर पॉलिटिशियन रहे, इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बहुत देर तक हिस्सा रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे, बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। उनका इस्तीफा और उस इस्तीफे के साथ जो प्रोटेस्ट अटैच्ड है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, मैं उस पर भी बात करती हूँ। एंड देन अगेन सनाउल्लाह ज़हरी, अगेन एक कदावर शख्सियत, सियासी शख्सियत। जब हम बलूचिस्तान की सियासत की बात करते हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की बात करते हैं, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई उससे पहले कुछ लोगों से मेरी बात हुई इस इशू के बारे में, क्योंकि ये बात बहुत तीन चार दिनों से जेरे गर्दिश थी कि ये इस्तीफे आने वाले हैं, और मैंने खुद भी आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी और कंफर्म किया था कि वो जो है डिसीजन हो चुका है, सिर्फ अनाउंस करने का वेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना ये था कि ये बिला वजह की बातें हैं, ये लोग जो हैं ये इस वक्त देख रहे हैं कि हम एक सख्त मौकफ अख्तियार कर रहे हैं और इनकी टांगों में जान नहीं है, ये उस मौकफ के साथ खड़े नहीं हो सकते जिसकी वजह से ये लोग अब इस तरह से इस्तीफे दे रहे हैं, वरना ये जो भी बातें की जा रही हैं ये सारी जो पार्टी का एक बयानिया है वो इस ये उससे वाकिफ है और इनको इससे पहले इससे कोई इख्तलाफ नहीं था। सो मच सो के मोहम्मद जुबैर जो कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना, वो तो रिकॉर्ड पर आके ये बात कह चुके हैं कि स्टेज पर बैठने का मौका नहीं दिया गया जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज हुए और अब उसको कोई और रंग देकर पेश किया जा रहा है। तो इस बात के अंदर भी जो है वो एक नुक्ता तो मौजूद है कि अगर आप बलूचिस्तान जा रहे हैं, आप क्वेटा में जलसा कर रहे हैं, पीडीएम का जलसा कर रहे हैं, तो वो लोग जो कि आपका फेस है उस एरिया उस इलाके के अंदर, अगर आप उनको ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो खैर ये भी एक सवाल है। बट हैविंग सेड दैट, वो दोनों सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और अगर वो सामने आकर इतनी इलैबोरेट तरीके से वजूहात बयान कर रहे हैं अपने इस्तीफे की, तो मेरा ख्याल है कि हमें उस पर अटेंशन देनी चाहिए। जनरल कादर बलोच हैज बीन वेरी क्लियर, उन्होंने कहा है जी कि मैं कोई एंटी फौज एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं सुनूंगा, ये जो नैरेटिव है नवाज शरीफ का ये अब मुल्क दुश्मनी की तरफ जाता जा रहा है और मैं किसी तौर भी इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अच्छा, मरियम नवाज ने अभी तकरीर की, वो आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में है, कैंपेन कर रही है वहां पर इलेक्शन के लिए, उन्होंने कहा कि जी जो लोटे हैं उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं वो सबको पता होना चाहिए, मैं अपने लोगों से कह रही हूँ कि अब हम इन लोटों का घिराव करेंगे, हम इन लोटों को सबक सिखाएंगे। गो के एक जनरल तासुर यही है कि वहां पर जो गिलगित के अंदर कुछ लोग हैं जो सीनियर वहां की लीडरशिप थी पीएमएलएन की, कुछ दो तीन अरकान ऐसे हैं जो कि पीएमएलएन को छोड़ के अब पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, और वो क्योंकि गिलगित में कैंपेन करी थी तो वो उस पर्सपेक्टिव में बात करी थी कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनका हम घिराव करेंगे। एंड जब जुबैर साहब ने
ترجمانی کرتے ہوئے اس چیز کو ایکسپلین کیا میڈیا پر آ کے, تو اگلے ہی روز انہوں نے زبیر صاحب کے بارے میں بھی بیان دے ڈالا جی کہ صفائیاں دے رہے تھے, میرے ترجمان دینے کی ضرورت نہیں ہے, میرا مطلب تھا کہ گھراؤ کریں تو گھراؤ کریں. لیکن جو کچھ تھوڑی سی میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جب وہ آج کل یہ بات کرتی ہیں کہ لوٹوں کا گھراؤ کریں, لوٹوں کو سبق سکھائیں, تو وہ جنرل قادر اور ثناء اللہ زہری کو بھی اس لسٹ میں, اس فہرست میں شامل کرتی ہیں جن کو وہ سمجھ رہی ہیں کہ جو کہ ان کے مطابق اب لوٹے ہیں. انہوں نے پارٹی کو ایک ایسے پوائنٹ پر چھوڑا جہاں پر پارٹی جو ہے وہ ایک ڈیسائسو اس کے اوپر ہے, پوائنٹ کے اوپر ہے, وہ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے, وہ اپنے نیریٹو کو جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہی ہے اور اس سے اب ہٹنے نہیں والی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے اس موقع پر, اس پوائنٹ پر پارٹی کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا, اور اب وہ پارٹی کے خلاف بھی گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کے ایکسٹینشن والے معاملے پر بھی جنرل قادر بولے ہیں کہ نواز شریف نے ان سے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ بار بار ایکسٹینشن مانگ رہے تھے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اب جنرل قادر کی طرف سے آ رہی ہیں جو کہ مریم کو ناگوار گزر رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیز شیپ اپ ہو رہی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کی پولیٹکس کہاں جائے گی یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. کیونکہ جب میں جنرل قادر اور ان کی سٹیٹمنٹس کی بات کرتی ہوں تو ایک بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ جنرل قادر نے اور بھی دی ہے, اور وہ یہ کہ جی میں obviously پولیٹیشن ہوں, میں سیاست کرتا رہا ہوں, میں فیوچر میں کہاں جا کر سیاست کرنا مناسب سمجھوں گا, میں ابھی اس پر غور کر رہا ہوں. اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ مجھے بھی اور ثناء اللہ زہری کو بھی ابھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز سے آفرز ہیں, اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام بھی لیا. اب اس بات کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں, جنرل قادر کے لیے بھی سوال ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے بھی سوال ہے. کہ جنرل قادر کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ سے اختلاف کر کے ہٹے ہیں اس بات پر کہ وہ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی بے شک براہ راست نام نہیں لے رہی ہے آرمی چیف کا, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ ان کے ساتھ حصہ دار ہے. پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جب تک اپنے آپ کو خود سے کہہ کے علیحدگی اختیار اس موقف سے نہیں کرتا نواز شریف کی کوئی آن دا ریکارڈ آ کر, تب تک ان سب کو اس بیانیے کا حصہ دار اس لیے سمجھا جائے گا کہ وہ سب ایک سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر ہاؤ از پیپلز پارٹی ڈیفرنٹ فرام پی ایم ایل این کہ آپ اس طرح کی کسی آفر کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں. اور یہ سوال پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے کہ کوئی شخص جو کہ آج نون لیگ کو یہ کہہ کر چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ کا جو سخت گیر موقف ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, آپ اداروں کے خلاف ہو گئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کیسے سمجھتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی شخصیت یا شخصیات جو ہیں وہ اب ان کا حصہ بن سکتی ہیں؟ اور اگر اس طرح کے موقف پر پی ایم ایل این کو چھوڑ کے گئے ہوئے لوگ اب پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو نون لیگ اس کو پھر کس طرح سے لے گی؟ اور یہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اور یہ جو یونٹی ہے اس وقت اس ایک ایشو کے اوپر, اس کا پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک تو کچھ سوالات ہیں. بٹ میں اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی یہ بات کر چکی ہوں, آنے والے کچھ دنوں میں الیکشنز ہوں گے گلگت بلتستان میں, تو کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے, ماضی کی کسی تلخی کا کیا بدلہ لے رہی ہے نون لیگ سے. کیونکہ یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں جن کا اب بدلہ لیا جائے گا, کیونکہ ایک جگہ پر سب کو اکٹھا کرنے کے بعد, سب سے اتنی سخت گفتگو کروانے کے بعد پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنے کچھ مقاصد اچیو کر لے گی, اور شاید یہ جو پی ڈی ایم والا معاملہ ہے اس سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لے گی. گلگت بلتستان کے الیکشن میں کتنا شیئر ملتا ہے پیپلز پارٹی کو, سینٹ کے الیکشن میں مولانا کو کتنا شیئر ملتا ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے اوپر تھوڑی سی نگاہ رکھنی چاہیے. تو کافی ساری ملک کی اس وقت جو اپوزیشن جو پولیٹکس اس وقت کر رہی ہے پاکستان کے اندر, وہ کافی حد تک جو ہے واضح اور کلیئر ہو جائے گی. آج کا یہ وی لاگ اس سے بس یہی کچھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.